इस वक्त यहाँ आप जो मनाजर देख रहे हैं वो ये है कि हर शख्स जो है वो अपने प्यारे को मिलने के लिए यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर जो मुलजमान हैं वो इस वक्त जो अपने अपने बुजुर्गों को देखकर ज़ारो कतार भी रो रहे हैं, उन पछतावे की आग में इस वक्त वो जल रहे हैं। आप ये देख रहे हैं एक मुलजम है इनके पास, ये इस वक्त देखें हाथ में इस वक्त इनके ये हथकड़ी लगी हुई है। ये हाथ जो है ये घर का बोझ उठाने के लिए हैं, लेकिन आज इन हाथों ने हथकड़ी का बोझ बर्दाश्त कर रखा है। ये बुजुर्ग अपने मिलने के लिए, अपने एक अजीज को मिलने के लिए यहाँ पर आया, यहाँ पर मौजूद है। और आप इनकी सूरत हाल देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। ये मनाजर हैं यहाँ पर, ये यहाँ मनाजर हैं जो यहाँ इस वक्त हो रहे हैं, और लोग ज़ारो कतार जो है वो रो रहे हैं। यहाँ उनका ये कहना है कि अगर हमारी औलाद अच्छा काम करती तो आज हमें ये दिन जो है देखने ना पड़ते। ये बुजुर्ग जो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे भी ज़रा बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि यहाँ ये कैसे ये चले गए और क्या हुआ आपके साथ? बाहर गया हुआ था, मैंने इसको मना भी किया था कि बेटा छड़े बाज बाज के लोगों के साथ ना बैठना, ये मेरी बात नहीं मानी। मैं इसकी वजह से रोजी कमाने के लिए बाहर गया था। मैं अभी कुवैत से आया हूँ, मुझे पता लगा तेरा बेटा जेल में है। ये सूरत हाल है यहाँ पर, ये सूरत हाल जो है ये आप देख रहे हैं इस वक्त। अगर ये औलाद कोई जुर्म करने से पहले ये सोच ले कि हमारे वालदैन के साथ ये कुछ होगा तो क्या सूरत हाल होगी। यहाँ जो भी आदमी जेल जाता है उसकी गिरफ्तारी से लेकर उसकी अदालत तक जो है वो यहाँ पर उसके सारा कुछ लग जाता है, यहाँ तक कि बच्चों का जो जहेज है वो भी इनका इन अदालतों में जो है वो लग चुका है। और नई आने वाली नस्ल जो है उनको ये चाहिए कि वो इससे सबक सीखें, और जो लोग जराइम की तरफ रागिब हो रहे हैं उनको चाहिए कि वो कम अज़ कम ये सोचें कि अगर हमने कोई गलत कदम उठाया, जराइम की ज़िंदगी अपनाई तो हमारे वालदैन जो हैं वो इसी तरह यहाँ पर आएंगे और रोएंगे और हमें जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42, ज़िला कचहरी।